नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है पेंक्रियास के ऊपर, यानी कि जो अग्नाशय रहता है जो कि स्टमक के नीचे रहता है और एक छोटा सा ग्लैंड जो रहता है जो अपना पेंक्रियाटिक जूस हमारे जो इंटेस्टाइन का जो शुरुआती हिस्सा रहता है जो कि ड्यूडेनम जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसमें जो वो अपना पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिसके बारे में मैंने आपको कल स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा मैंने ब्रीफली आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आज हम उसके बारे में डिटेल समझेंगे, पेंक्रियास के बारे में कि वो किस तरीके से काम करते हैं और उसका डिटेल जो है थोड़ा बहुत हम समझने वाले हैं। दोस्तों हिंदुस्तान में देखते हैं कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जो है वो डायबिटीज है। डायबिटीज क्यों होता है? क्योंकि जो इंसुलिन और शुगर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि डायबिटीज होता है। अब इंसुलिन जो है वो जो है ये पेंक्रियास रिलीज करते हैं। अब साथ साथ हम देखते हैं कि जो पेंक्रियास है क्या सिर्फ इंसुलिन के लिए ही काम करते हैं या फिर इसके अलावा और भी इसके जो काम है हमारे बॉडी में रहते हैं, तो वो आज हम जो है सिंपल भाषा में आज समझने वाले हैं। तो पेंक्रियास जो अगर देखते हैं हम लोग तो ये पिंकिश ऑरेंज कलर का रहता है, 15 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई रहती है और एक लोब्यूलर ग्लैंड जो है इसे माना जाता है। इसका वजन की अगर बात करें तो 120 से 145 ग्राम रहता है और इसके बाजू में एक ग्लैंड, एक जो ऑर्गन रहता है जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं, तो स्प्लीन के थ्रू ही इसके अंदर एक ब्लड सप्लाई होता है थ्रू स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी के जरिए इसके अंदर पेंक्रियास के अंदर ब्लड सप्लाई होता है और उसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज बन के वो जो है पूरे पेंक्रियास को ब्लड सप्लाई करती है। अब इसके आगे का टॉपिक बाद में आते हैं, पहले पेंक्रियास के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इंटेस्टाइन का पार्ट है जो शुरुआत जिसे हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं और ये जो है पेंक्रियास का एक जो है ये इतना पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पेंक्रियास है और ये गाल ब्लैडर है ना, जो अपना बाइल जो है वो रिलीज करता है। तो गाल ब्लैडर के बारे में बाद में बात करेंगे, इंटेस्टाइन का मैंने आपको कल बता दिया हूं और आज सिर्फ जो है पेंक्रियास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बीच में आपको ब्लैक कलर का एक जो लाइन दिखाई दे रहा है ये पेंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, जिसके थ्रू जो है जो पेंक्रियाटिक जूस है वो इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे डक्ट्स रहते हैं जो कि एसिनार सेल से पेंक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो कलेक्ट करते हैं। अब क्या होता है जब आपको ये लीफलेट जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए ये पेंक्रियाटिक डक्ट जो है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे छोटे छोटे जो आपको ग्लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और ये सर्कल में जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, ये सर्कल में जो ब्लू कलर है इसे कहा जाता है एसिनार सेल। इसका जो काम है वो हम आगे समझने वाले हैं। और जो ये ब्लू कलर के आपको सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हम लोग कहते हैं। इसका भी जो फंक्शन है हम लोग धीरे धीरे आगे समझने वाले हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो एसिनार सेल है ये क्या काम करती है और ये जो डक्ट्स हैं इसके थ्रू जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो पेंक्रियाटिक जूस किस तरीके से बनता है। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग वो स्टमक में जाता है, तो जैसे वो स्टमक में वो एसिड के साथ मिलके जब उसकी चर्निंग प्रोसेस जब होती है तो स्टमक में एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ये हार्मोन क्या करता है, एसिनार सेल ये जो सेल्स हैं इसको स्टिम्युलेट करता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना शुरू कर दो और रिलीज करना शुरू कर दो। तो ये बनाना शुरू कर देती है और जैसे ही ये नजदीक में आती है डक्ट्स के, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम बन गया और ये यहाँ पे जैसे ही नजदीक में आता है यहाँ पे इस डक्ट पे, मेन डक्ट पे नहीं, तो उस डक्ट पे जब आता है तो वहां पे सेंट्रो एसिनार सेल्स रहती हैं। ये इस पोर्शन पे सेंट्रो एसिनार सेल्स यहाँ पे क्या करती हैं, ये इस डाइजेस्टिव एंजाइम में बायकार्बोनेट रिलीज कर देती हैं। अब बायकार्बोनेट जो है वो अल्कलाइन नेचर में रहता है। क्यों अल्कलाइन में इसका रहता है, क्योंकि जो फूड स्टमक से आता है वो उसमें एसिड मिला हुआ रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस एसिड को नलीफाई करना जरूरी रहता है, उसके लिए ये बायकार्बोनेट जो है वो पेंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ जो है वो मिक्स हो जाता है और जो है जो एसिड में जो फूड के साथ जो एसिड आ रहा है उसे नलीफाई करने का काम करता है, ये इसका काम है। और फाइनली जो इन प्रोडक्ट्स के बाद मिलके मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम और बायकार्बोनेट मिलने के बाद जो एक जूस बनता है उसे पेंक्रियाटिक जूस जो है वो कहा जाता है। अब ये जो जैसे ही कलेक्शन करता है पूरा एसिनार सेल से कलेक्शन होकर मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में आता है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये पेंक्रियाटिक डक्ट, जैसे ही यहाँ पे ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही यहाँ पे डक्ट जो है वो रिलीज करने वाला रहता है, उसी के साथ यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है बाल ग्लैडर की, जो बाल ग्लैडर जो अपना जो गाल ब्लैडर जो रहता है वो अपना जो डक्ट के द्वारा जो बाइल है वो यहाँ पे रिलीज कर देता है और जो एक कॉमन एक डक्ट बनता है इस कॉमन डक्ट को कहा जाता है हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट।
इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। अब ये जो पेंक्रियाटिक जूस जो यहाँ से रिलीज हो रहा है, इसका काम क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स जो रहते हैं उसका काम, उसको ब्रेक डाउन करने का काम है। तो यहां तक ये इसे जो ग्लैंड है इसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उन्हें, उस ग्लैंड को कहा जाता है जो भी वो सीक्रेशन करती हैं, वो किसी डक्ट के द्वारा जो है वो आगे पास ऑन करती हैं, इसलिए उस ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। तो यहां पे एक पोर्शन जो है इसका पैंक्रिया का, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूस है, पैंक्रियाटिक जूस जो है वो एक डक्ट के द्वारा जो है वो आगे फॉरवर्ड करती है, इसलिए इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अब आते हैं जो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि ब्लू कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें ये ग्रुप ऑफ सेल्स रहती हैं। मान लीजिए ये ग्रुप है, तीन सेल्स रहती हैं इसमें, अल्फा बीटा और डेल्टा। तो ये तीन सेल्स है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा, तो बीच में इसकी ब्लड सेल्स रहती है, ब्लड कैपिलरीज जो रहती हैं छोटी छोटी, जो उन्हें अलग करने का काम करती है। तो अल्फा बीटा डेल्टा मिला के उनके बीच में ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज जो रहती हैं वो रहती हैं, मिलके जो है वो एक ग्रुप बनाती हैं, और उसे कहा जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इनका काम क्या है, अल्फा क्या करता है, ग्लाइकोगन जो हार्मोन है वो रिलीज करता है। जब भी हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता रहती है। तो होता क्या है कि जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजेन रहता है, जो ग्लाइकोजेन हमारे मसल्स में स्टोर रहता है, एक ग्लूकोज का रिजर्वायर रहता है, वहां पे स्टोर रहता है, जब जरूरत रहती है तो वो यूज होता है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, इस ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये अल्फा जो सेल्स है इसका काम रहता है ये ग्लूकागॉन रिलीज करने का। दूसरा है बीटा सेल्स क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। इंसुलिन हार्मोन लगभग सभी को पता है, ये क्या करता है, जो एक्सेस ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में आ गया, ब्लड वेसल्स में आ गया है, उसे ग्लूकोज को वापस कन्वर्ट करता है ग्लूकोजेन में, और ये ग्लूकोजेन जो एक्सेस है, जो आ जाता है, जमा हो जाता है, वो वापस फिर मसल्स में स्टोर हो जाता है, फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वापस वैसे ग्लूकोज में कन्वर्शन के लिए, तो ये ग्लूकोजेन में स्टोर हो जाता है मसल में। अब इन दोनों की जो लगाम है वो रहती है डेल्टा के हाथ में। डेल्टा क्या करता है, एक सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज कर देता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है इन दोनों के एक्सेसिव सिक्रेशन, मतलब इसे इनहिबिट करने में हेल्प करता है इंसुलिन और ग्लूकोगॉन हार्मोन जो है, जो अल्फा और बीटा जो रिलीज करते हैं, इसे जो इनहिबिशन का और इसका कंट्रोल जो रहता है वो इसके हाथ में, कह सकते हैं कि ये भी हेल्प करता है इनहिबिशन करने में, तो इसका कंट्रोल भी इसके हाथ में रहता है। अब जैसे हमने देखा कि ये जो चीजें हैं अल्फा बीटा डेल्टा जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में रिलीज कर रहे हैं, किसी डक्ट के थ्रू नहीं जो है वो बॉडी में जाने दे रहे हैं, तो इसलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो अपना सीक्रीशन डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में भेजती है बिना किसी डक्ट की मदद से। तो डक्ट की मदद से अगर कोई वो रिलीज करता है तो उसे कहा जाता है एक्सोक्राइन, और बिना डक्ट की मदद से जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है एंडोक्राइन। तो पैंक्रिया ये दोनों काम करता है, इसलिए इस ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों बोला जाता है। तो आज का टॉपिक यही तक था, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।